all my dear students. I hope you all are doing well. This side Neha Sabnani. I have already given you part 1. Now we will see part 2. And in this part 2, we will learn about estimation. Students, I have written one example. In an examination, you scored 15.5 marks out of 20. If I ask you to round off your score, you will say that, ma'am, yes, I have scored 16 out of 20 marks. So 16 is the round off, and this is known as estimation. Estimation means nearest value. Now we will see estimation in various cases. First, we will see estimating to the nearest tens. Jabhi bhi hame nearest tens karna hota hai, toh hum estimate kaise karenge? Jaise ki maine yahan par example liya hai 37. Humne class 5th mein bhi already padha hai. Jab bhi agar hamari digit 1, 2, 3, 4 hoti hai, toh hum usme koi change nahin karte hai. Jaisa ki maine likha hai, no change. Lekin agar hamari digit 5, 6, 7, 8, 9 hai, toh hum kya karte hai? Change. चलिए अब हम 37 को nearest to tens चेंज करते हैं. Nearest to tens means tens में कितने जीरो होते हैं? एक जीरो होता है. तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक जीरो तो पुट कर ही देंगे. अब आती है कि इस प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी. जब भी हमें nearest to tens करना है तो हम हमेशा किस डिजिट पे फोकस करते हैं? वंस डिजिट पे. हमने देखा हमारी वंस डिजिट पर क्या है? 7 है. जब भी 7 होता है तो हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं. चेंज किस में करते हैं? जो उसके आगे वाले डिजिट होती है. आगे कौन सी डिजिट है? 3. तो 3 में क्या हो जाएगा? प्लस 1. एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा. 3 क्या बन जाएगा? 4. इसलिए यहाँ पे हमारे पास एस्टिमेट टू नियरेस्ट 10 क्या आ जाएगा? 40. लेट अस चेक इन केस ऑफ नेक्स्ट एग्जाम्पल. 6. आपको नियरेस्ट 10 करना है तो आपको वंस प्लेस पर तो 0 लिख देना है सबसे पहले. अब आती है बात टेंस प्लेस की. जब भी हम नियरेस्ट टेंस करते हैं, हम कौन सी प्लेस को ध्यान में रखते हैं? वंस प्लेस को. वंस प्लेस पर क्या है? 6. जब 6 होता है तो हम चेंज करते हैं, और चेंज किसको करते हैं? उससे पहले वाले डिजिट को. पहले वाले डिजिट पे क्या डिजिट है? 7 है. तो 7 क्या बन जाएगा? प्लस 1, दैट इज 8. तो राउंड ऑफ इसका क्या हो गया? 80. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल. लेट्स सी राउंड ऑफ इन केस ऑफ 100. Now, next topic is estimating to nearest 100 by rounding off. Students, I have taken example 841. So, 841, जब आपको nearest to 100 करना होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? 100 में दो जीरो होते हैं, टू जीरोज होते हैं, आप इसलिए टू जीरोज लास्ट में लगा देंगे. अब हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सी डिजिट आएगी. तो उसके लिए हम हमेशा कौन सी प्लेस को ध्यान रखते हैं जब हमें nearest to 100 करना हो? तो टेंस प्लेस को. वी विल सी ओनली टेंस प्लेस. जस्ट फोकस ऑन टेंस प्लेस. टेंस प्लेस पर क्या है? 4 है. अगर 4 होता है तो हम क्या करते हैं? नो चेंज. नो चेंज किस में? उससे पहले वाले डिजिट में. उससे पहले वाले डिजिट क्या है? 8. सो 8 विल रिमेन एज इट इज. ओके, नेक्स्ट इज 286. फर्स्ट राइट डाउन टू जीरोज बिकॉज वी हैव टू एस्टिमेट नियरेस्ट टू 100. सो राइट डाउन टू जीरोज. फोकस ऑन द डिजिट विच इज रिटन ऑन द टेंस प्लेस. इट इज 8. सो वेन एवर देर इज 8, देर विल बी चेंज. चेंज इन विच डिजिट? द डिजिट विच इज रिटन बिफोर. बिफोर कौन सी डिजिट लिखी हुई है? 2. सो 2 विल बिकम 3. सो क्या हो गया राउंड ऑफ 286 का? 300. ओके, सिमिलरली एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2573. ठीक है, अब हमें नियरेस्ट 1000 करना है. जब भी हमें नियरेस्ट 1000 करना है तो हम 3 जीरोस तो पहले ही लगा देंगे. ठीक है, नियरेस्ट 1000 में हम कौन सी प्लेस की डिजिट को देखते हैं? 100 प्लेस की डिजिट को. 100 प्लेस पे कौन है? 5. जब 5 आता है तो डिजिट में चेंज होता है. कौन सी डिजिट में? जो आगे लिखी है. आगे क्या लिखा हुआ है? 2. तो 2 विल बिकम 3. तो इसका एस्टिमेट क्या हो गया? नियरेस्ट क्या हो गया? 3000 हो गया. सिमिलरली वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल 3499. 3499 हमें नियरेस्ट टू 1000 करना है तो हम 3 जीरोस तो ऑलरेडी लगा देंगे. हम फोकस करेंगे कौन सी है प्लेस पे? 100 प्लेस पे. जब 1, 2, 3, 4 होता है तो उसके जो आगे डिजिट लिखी हुई होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए हमने 3 को एज इट इज लिख दिया. इज इट क्लियर? दिस वॉज एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 100, टेंस एंड 1000. Now, the new topic that you have to learn in class 6 is to estimate sum, difference and product. First, we will talk about how to estimate sum. Let us
Understand this with the help of example. We have taken here 5290 plus 17986. That is 5290 plus 17986. The very first thing that you have to do is, first step is see in between these two numbers, which is the greatest number? Which is greatest number? Obviously, 17,986 is the greatest number. The number whichever is greatest, जो भी बड़ा number होगा, हम उसके according round off करेंगे. हमारा यहाँ पर बड़ा number है 17,986, इसलिए हम round off किसके according करेंगे? Nearest to 1000 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा नंबर कौन बड़ा है? 17,986. So 17,986 we will round off nearest to 1000. I already told you nearest to 1000 means put 3 zeros at back, because in 1000 we have 3 zeros. Focus on which digit? The digit which is written on the 100 place. 9 is there. It means change. Change in which digit? The digit which is written before. So 7 will become 8. Therefore, and 1 you have to write as it is. Therefore, round off is 18,000. Then 5290. First, write down 3 zeros as it is. Focus on the 100 digit. What number is written on the 100 place? That is 2. 2 means no change, so 5 will remain as it is. And when you will, what you have to do? Find the sum. You have to plus, so plus 18 plus 5 gives you 18,000 plus 5,000 gives you 23,000. So this is the estimated sum. ओके आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको सम निकालने को बोला जाए कि एस्टिमेटेड सम निकालिए, तो आप राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे? उस नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे जो बड़ा होगा. जैसे कि हमारे इस केस में बड़ा 17,000 था, 17,986 था, इसलिए हमने 1000 के अकॉर्डिंग नियरेस्ट टू 1000 में राउंड ऑफ किया. ऐसे ही हम देखेंगे कि हम एस्टिमेटेड डिफरेंस कैसे निकालते हैं. एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालने के लिए, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल 5673, दैट इज 5673 माइनस 436. नाउ इन दिस केस व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट सी विच नंबर इज ग्रेटेस्ट. हियर द ग्रेटेस्ट नंबर इज 5673, दैट इज 5673. लेकिन जैसे कि हमने एडिशन में ग्रेटेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ किया था, इसका जस्ट अपोजिट हम डिफरेंस निकालते टाइम, दैट इज माइनस करते टाइम, सब्ट्रैक्ट करते टाइम देखते हैं कि कौन छोटा होता है. छोटा कौन है? 436. तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे. 436 है, इसलिए हम राउंड ऑफ किसके करेंगे? नियरेस्ट टू 100 करेंगे. Let's do 5673. 100 means put two zeros as it is. Focus on which digit? Tens place. On tens place we have 7. 7 means change. So 6 will become 7 and this 5 as it is. Similarly, 436. Write down two zeros as it is. Focus on the digit which is written on tens place. 3. 3 means no change. So 4 you will write as it is. And then you will minus. Then you will get the answer 5300. हमने सम निकालते टाइम ग्रेटेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ किया था, लेकिन डिफरेंस निकालते टाइम हम किसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग. ओके, नाउ टू एस्टीमेट प्रोडक्ट. हाउ टू एस्टीमेट प्रोडक्ट? नाउ इन प्रोडक्ट द रूल इज डिफरेंट. द रूल इज दैट वेन एवर यू नीड टू एस्टीमेट प्रोडक्ट, राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस, देन मल्टीप्लाई राउंड ऑफ फैक्टर्स. वॉट डज दिस मीन? लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. 81 इंटू 479. ओके, अब 81 क्या है? कितना, कौन सा डिजिट का नंबर किस में आएगा? टेंस में आएगा. ठीक है, 81. सो इट विल कम नियरेस्ट टू tens. That's why we will round off this number nearest to tens. So we'll get the answer 80. 479. 400 means it will come. It means it, in this we have to round off nearest to 100. Nearest to 100 means, you know, 479 nearest is 500, and simply multiply 880 into 500 and you will get the answer 40,000. इसका मतलब जितनी digits, इसमें 2 ही digits थी इसलिए हमने nearest to 10 किया, इसमें 3 digits थी इसलिए हमने nearest to 100 किया. हम multiply करते टाइम, product निकालते टाइम जितनी digits होगी उसके according उसको round off कर देंगे, and then we will find the estimated sum.
Okay, I hope you all liked my video. Stay tuned for the next video. Thank you and have a nice day ahead, and try to solve exercise 1.3 based on this part 2 video.